डॉक्टर अशफाक और डॉक्टर एक्यू ख़ान की मीटिंग प्रेसिडेंट से हुई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। खान साहब जब वापस आए तो हम सबको बताया गया कि आप लोग तैयार हैं। एक्यू ख़ान लोग तो ये कहा करते थे, मैं ज़ाती तौर पर बिलीव नहीं करता कि जी ड्राइंग्स उनके हाथ में थी और कुछ वो बाहर से ड्राइंग्स लेके आए थे। देखिए, अगर ड्राइंग्स होती तो ड्राइंग से जब कंस्ट्रक्शन इंसान करता है तो ड्राइंग को देख के कंस्ट्रक्शन किया और हॉल बन गया। कम अज कम 7-8 दफ़ा वो पूरे का पूरा हॉल बना है, पूरा हॉल, और उसको बाद तोड़ा गया। इनमें जहाँ इनके कारखाने थे यूनानियों के, तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती तो इसको बेचते थे। फ्रेंच जो है वो इंग्लिश नहीं समझता, और इंग्लिश जो है वो फ्रेंच नहीं समझता, फ्रेंच जो है जर्मन नहीं समझता, जर्मन जो है वो इंग्लिश नहीं समझता। लेकिन डॉक्टर साहब वाहिद आदमी थे, चूँकि इनको अबूर था इन लैंग्वेजेस के ऊपर। डॉक्टर साहब बाई क्वालिफिकेशन मेटलर्जी इंजीनियर थे, तो इनकी जो डिग्री थी पहली बीएस साइंस की, ये इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद ये फिर 50s में चले गए थे जर्मनी, वहाँ ये टेक्निकल एजुकेशन लेते रहे मेटलर्जी इंजीनियरिंग की। उसके बाद ये चले गए हॉलैंड, वहाँ एमएस की इन्होंने मेटलर्जी इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद ये बेल्जियम चले गए, वहाँ इन्होंने कैथोलिक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की मेटलर्जी इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद इनको जॉब मिल गया इसी में, यूरेनको में, जो यूरेनियम कंपनी थी। तो ये उनके टेक्निकली रिपोर्ट राइटर कह लें या कंसल्टेंट कह लें या जो मेटलर्जी की प्रॉब्लम आती थी उनको ही हल करते थे। तो इनके पास इन चारों मुल्कों में, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, 5 मुल्क, इनमें जहाँ इनके कारखाने थे यूरेनियम के, तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती तो इसको बेचते थे। अच्छा, उनकी ड्राइंग है, अब फ्रेंच जो है वो इंग्लिश नहीं समझता, और इंग्लिश जो है वो फ्रेंच नहीं समझता, फ्रेंच जो है वो जर्मन नहीं समझता, जर्मन जो है वो इंग्लिश नहीं समझता। तो इनको बुला के वो सारी ड्राइंग, सारी रिपोर्ट, सारे डाटा ट्रांसलेट कराते थे। लेकिन डॉक्टर साहब वाहिद आदमी थे, चूँकि इनको अबूर था इन लैंग्वेजेस के ऊपर। काम करने की खूबसूरती उनकी ये थी कि जब लोग रातों को काम करते थे, 4-4 दिन, 5-5 दिन घर नहीं जाते। एक्यू ख़ान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वह छोटे से टेक्नीशियन को कोई काम देके जाते और उसे कहते थे कि ये दो चीज़ों को जोड़ना है, जुड़ नहीं रही है, इसकी वेल्डिंग करनी है, इसको जोड़ना है, इसको आपस में जब जोड़ते हैं इसको चलाते हैं गिर जाते हैं, जब जोड़ते हैं चलाते हैं गिर जाते हैं, तो तुम इसमें कोई ऐसी टेक्निक लगा के जोड़ो और जो ही ये काम कंप्लीट हो जाए मुझे फ़ोन करना, ये नहीं देखना कि वो टाइम कौन सा है, मुझे रिंग करना। तो एक्यू ख़ान को फ़ोन किया करते, रात को 2:30 बजे गाड़ी चला के E7 से, F8 में रहते उस ज़माने में, F8 से खुद ड्राइव करके जो पिंडी के पास हमारे बैरक से जहाँ जो शुरू में काम हुआ था उस टेक्नीशियन के पास आते, कॉफ़ी एक मशीन होती थी उससे 2 कप कॉफ़ी का बनाते, उसे कहते थे यहाँ बैठ जाओ मेरे से कॉफ़ी पियो, काम नहीं देखते थे। उन्होंने कहा इसने फ़ोन कर दिया, काम तो हो गया। अब देखें इनकरेजमेंट किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं टेक्निकल मैनेजमेंट, कि जिस शख्स ने उसने काम को हाथ नहीं लगाया, पूछा नहीं, कॉफ़ी बनाई, 1 कॉफ़ी उसको दी कि मेरे पास बैठ जाओ, वो टेक्नीशियन 11 ग्रेड का होगा बेचारा, वो तो कांप रहा था उनके सामने कि भाई ये बैठूँ कैसे इनके सामने, कॉफ़ी कैसे पी, अलग बैठ जाइए, उसके सामने कॉफ़ी पी रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन कौन है घर में, फलाना है, ये कैसे है, घर कैसे चलता है, फलां क्या होता है, एक जनरल सी बातें वातें करके उसके बाद जाते हुए उसको एक ऑनरेडियम दे देते थे कि भाई ये तुम्हारे काम की ऑनरेडियम, और काम को नहीं देखते, उनको पता था काम तो हो गया। अब जिस लड़के के साथ वो ये वाला काम कर जाएँ, कॉफ़ी पिला जाएँ उसको रात को 2-2:30 बजे आकर, ज़रा आप सोचें कि उसके अंदर कैसा जज्बा होगा काम करने। वो उसके बाद 3-3 दिन तक घर नहीं जाते, उसको मना नहीं था कि तुम घर नहीं जाओ, तो कहता नहीं मैं घर जाए क्या कर। प्लांट ऐसा था कि सीढ़ियों से चल के आप जाएं जहां कंट्रोल रूम है वहां से आपको पूरा प्लांट नजर आता, और ऐसे कई प्लांट थे, उस प्लांट में 10-10 हज़ार के सेंट्रीफ्यूज प्लेसमेंट पे लगे हुए। तो हमारे जितने भी जनरल्स आते थे विज़िट करने के लिए
वो पहले सीढ़ियाँ चढ़ के जाते थे, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो सामने प्लांट देखते तो प्लांट को सलूट करते, खाली प्लांट को सलूट करते, एक यू खान को नहीं प्लांट को सलूट करते। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग काम करने वाले ऐसे लगते थे स्वीडन में काम कर, उनका हिलना जुलना कपड़े ये वो सब इसी तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई, इस कदर हाई टेक्नोलॉजी थी उस इलाके के अंदर उस प्लांट के अंदर कि उसको देख के आपको नहीं लगता था कि ये पाकिस्तान में हम खड़े हैं, ऐसा लगता था कि कोई हाई क्लास टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में हम ये खड़े हुए हैं जहाँ ये। वरना ऐसे प्लांट मैंने चाइना भी मैं गया हूँ वहाँ जाके देखा उन्होंने मिट्टी में बनाए हुए थे, होटल को कन्वर्ट करके बनाया हुआ था। ए क्यू खान लोग तो ये कहा करते थे, मैं ज़ाती तौर पर बिलीव नहीं करता कि जी ड्राइंग्स उनके हाथ में थी और कुछ वो बाहर से ड्राइंग्स लेके आए थे और उस ड्राइंग्स के देखें, अगर ड्राइंग्स होती तो ड्राइंग से जब कंस्ट्रक्शन इंसान करता है तो वो ड्राइंग को देख के कंस्ट्रक्शन किया और हॉल बन गया। कम अज कम 7-8 दफ़ा वो पूरे का पूरा हॉल बना है, पूरा हॉल, और उसको बाद तोड़ा गया है। क्यों? जब बना लेते थे तो सेंट्रीफ्यूज प्लेस करते, जब वो प्लेस करते तो पता लगा इसमें अभी 2 कम रह गए हैं, 2 ज़्यादा हो गए हैं, 2 ऐसे हो गए हैं, 2 वैसे हो गए। दीज आर ऑल उनकी फोटोजेनिक मेमोरी में उसका साइज था जहाँ के वो घूमते रहे थे और वो लेके आए थे, वो कहते अच्छा ये साइज़ होगा बना, वो साइज़ बना दिया, जब सेंट्रीफ्यूज प्लेस किया तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई, उसको गिरा दिया उनका दोबारा कंस्ट्रक्शन। तो कम से कम अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं तो 3री-4थी कंस्ट्रक्शन में जाके एक हॉल कंप्लीट हुआ जिसका हमने कहा कि ये वो हॉल बन गया है जिसमें कि इतने सेंट्रीफ्यूजेस आसानी से प्रॉपरली प्लेस्ड हो गए, उसके दरमियान में जगह भी है मूव करने के लिए, सीढ़ियाँ भी हैं देखने के लिए भी हैं सारी। तो ये वो वाला प्लांट है जिसके बारे में उन्होंने बताया, नथिंग एल्स। उस आदमी की मेमोरी कि आप लोग दाद दें कि वो एक दफ़ा आपका नाम सुनता था, अगर 10 साल के बाद आप मिलते थे तो आपको नाम से पुकारता था, हजारों लोग उनके सामने से गुजरे हैं लेकिन वो देखकर उनको उनकी मेमोरी में प्लेस हो जाती थी, ये उनकी मेमोरी का आलम, चीज़ें अजबर हुआ करती थी। तो यही चीज़ उन्होंने जो वहाँ से प्लांट में 15 दिन सिर्फ उन्होंने उस प्लांट में काम किया और रोज़ाना रात को आके वो उसके बारे में लिखा करते कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, किस तरह है, जितना लिख सकते थे, क्योंकि वहाँ से आप कुछ लाना और ले जाना तो कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें उनके मेमोरी में थी और वॉट एवर जो वो रिड्यूस किया, इसलिए जब वो जुल्फ़िकार अली से मिले तो उन्होंने कहा अब आप यहाँ से जाएंगे नहीं, आपने यहाँ पर 6 महीने तक सैर करनी है, सब देखना है और एक कमरे में बंद होके, ये कहा गया था एक कमरे में बंद होकर वॉट एवर यू हैव सीन देयर यू हैव टू रिप्रोड्यूस, लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए। तो आई डोंट नो, ये तो जिनों का काम होता है, हज़रत सुलेमान कराया करते थे जिनों से ये सारे काम। तो हम लोग उस ज़माने में हम कुछ ग्रुप थे हमारे जो नए लड़के आए हुए, वो हम लोग एक खान को ये जिन बाबा ही कहा करते थे कि ये तो जिन बाबा हैं जो काम करवाते हैं ये सब। मैं नंबर 2 के ऑफिस में था, डॉक्टर हाशमी नंबर 2 थे, खान साहब नंबर 1 थे, और हाशमी साहब ने मुझे कहा भाई जफर इंडिया ने तो कर लिया धमाका, तो मैंने कहा सर हम भी करते हैं। तो ही सर अगर तुमने नहीं किया 2-3 हफ्ते में फिर ख़त्म हो तुम। इतने में खान साहब आए अपने ऑफिस से, दरवाज़ा खोल के झाँका कि डॉक्टर हाशमी और मैं कुछ बात कर रहे, तो मैंने उनकी तरफ देखा उनकी आँखों में। अब खान साहब के ऊपर बहुत जाहिर है पूरा मुल्क का प्रेशर था, तो उसके बाद मैंने ये सुना कि प्रेसिडेंट ने दोनों को बुलाया, डॉक्टर एक्यू खान को और जो चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन थे डॉक्टर अशफाक उस वक्त चेयरमैन थे, डॉक्टर अशफाक ने डॉक्टर समर मुबारक को उस प्रोजेक्ट का हेड बनाया था। डॉक्टर अशफाक और डॉक्टर एक्यू खान की मीटिंग प्रेसिडेंट से हुई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। खान साहब जब वापस आए तो हम सबको बताया गया कि आप लोग तैयार रहें। देखें कुछ हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स भी थी, इसको तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि एक तरफ हम बहुत खुश थे, एक तरफ हम डाउन फीलिंग थी कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी गई इस मुल्क में और खान साहब को इम्पोर्टेंस। जब आपके लीडर को इम्पोर्टेंस ना दी जाए तो जाहिर है आप जो उनके वर्कर्स होते हैं
तो हम सब का एक डाउन पीरियड भी था, लेकिन हमें एक एक एक्स्ट्रा तनख्वाह भी मिली। और ये बात मैं रिकॉर्ड पे आपको ला देता हूँ कि खान साहब की तनख्वाह, डॉक्टर ए क्यू खान की तनख्वाह 26,000 रुपये थी, उसमें मेरी 17,000 रुपये थी। तो हम सबको एक एक तनख्वाह एक्स्ट्रा मिली। आप सोचें कि हम लोगों ने इतनी तनख्वाह में इस मुल्क के लिए कितना बड़ा काम किया। आज सोच सकता है कोई? आज तो लोग करोड़ों की और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या तनख्वाहें थी, किस जज्बे से काम किया, और जिस शेड में हमारा फंक्शन हुआ, खान साहब मुझसे कोई 10 फुट आगे खड़े थे, हम कोई मेरे ख्याल में 1,000-1,500 लोग खड़े थे उनके सामने, हमने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो मेरा तो आई कॉन्टैक्ट था खान साहब के साथ। हमें पता था असल हीरो कौन है, हमें तो पता था कि असल हीरो कौन है, हमें तो पता था कि असल आदमी कौन है। तो मैं जनाजे पे गया था, मेरा बेटा भी साथ था, हज़ारों लोग थे और हमें जगह नहीं मिली थी। तो आखिर में फैसल मस्जिद की बैक साइड पे ना हमें जगह मिली। तो वहाँ दो बड़ी अजीब मुझे वाकयात पेश आए। एक तो तेज़ बारिश हो रही थी जनाजे के दौरान, नमाज जनाजा के दौरान, दूसरा ऊपर से ना बिजली कड़क रही थी। तो मेरे साथ जो थे कोई यंग लोग आए हुए थे, तो एक यंग आदमी कहता है देखो आज आसमान भी रो रहा है एक युहान की जनाजे पर। तो पीछे से एक ज़ोर से आवाज़ आई, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये जो बिजली कड़क रही है ये अल्लाह ताला जो है 21 तोपों की सलामी दे रहा है जनाजे। तो खैर मुझे बड़ी खुशी भी हुई, हैरत भी हुई, मेरे को देखो लोगों की सोच क्या है, रिगार्डलेस गवर्नमेंट क्या करती है या बाकी लोगों ने क्या किया, लेकिन बड़ी दुनिया आई थी और इतनी रश थी कि हमें वो जगह ही नहीं मिल रही थी। वो तो बड़ी देर बाद हमें जगह मिली, यानी मैं ये कहूँगा हज़ारों लोग थे जनाजे में वहाँ पर खड़े हुए। फिर बारिश शुरू हो गई, तो फिर 3 बजे बहुत तेज़ बारिश हुई, जैसे अल्लाह की तरफ से कोई इशारा मिला हो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को। ये सच बात है कि आसमान काला हुआ था, काला हो गया था। और जैसे 8 अक्टूबर 2005 को एक बहुत बड़ा जलजला आया था, मैं इधर ही था एयर यूनिवर्सिटी में, सैटरडे 9:02 थे सुबह के, उस शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो जो मेरे एज के लोग उनको याद होगा, तो वो भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा था। ये 12 अक्टूबर को खान साहब के जनाजे पे काला आसमान हो गया और इतनी तेज़ बारिश हुई और मैं हम सब खड़े थे, हम सब गीले हो गए, लेकिन आप यकीन जाने कि हमें, मुझे एक फीलिंग हुई थी कि अल्लाह के सामने हम खड़े। तो उसके बाद आसमान साफ हो गया आधे घंटे के बाद, जैसे कुछ भी नहीं था। मैंने उस दिन पेशावर जाना था, 5 बजे मैं पेशावर चले गए और मोटरवे बिल्कुल साफ थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इससे क्या आपको पता चलता है अपने मुल्क के बारे में? तो जहाँ मैं एक तरफ आपको शुरू वाली हिस्ट्री बताई, तो दूसरी हिस्ट्री भी मैं आपको बता दूँ कि इस मुल्क ने डॉक्टर ए क्यू खान की कोई इज्जत नहीं की। और ये आप सबको पता होना चाहिए कि आपका जो मेन लीडर था, मेन हीरो था, जिसकी वजह से आपका झंडा आज लहरा रहा है, जिस आदमी की वजह से आपकी प्रेसिडेंसी के आगे पाकिस्तान को इतना ऊंचा झंडा लहरा रहा है, उसको हम कोई स्टेट फ्यूनरल नहीं दे सके। उसको 20 साल हमने उसके घर में बंद रखा, उसको कोई हमने इज्जत नहीं दी, और जिन हालात में उनका इंतकाल हुआ मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी उनके साथ लास्ट टेलीफोन की बात हुई थी जब मैं खुद हॉस्पिटल में था उनके इंतकाल से 2 महीने पहले। मैं खुद एडमिट था, मेरे को गॉल ब्लैडर का इशू था, शिफा हॉस्पिटल में। तो मेरी वाइफ और मेरा सबसे छोटा बेटा मेरे साथ कमरे में थे, और खान साहब ने मुझे मेरा जो सबसे छोटा बेटा है मुझे कह रहा था कि आपकी तो कोई डॉक्टर ए क्यू खान से इतनी दोस्ती नहीं होगी। तो जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे तो फ़ोन बजा और मैंने फ़ोन करा तो डॉक्टर ए क्यू खान थे। तो मैंने अपने बेटे और वाइफ के सामने किया, देखो डॉक्टर ए क्यू खान मुझे फ़ोन, और डॉक्टर खान ने मुझे कहा कि आपका पता चला आप हॉस्पिटल में, तो कैसी तबीयत? मैंने कहा सर मैं तो ठीक हूँ, मैं आज घर जा रहा हूँ, आप कैसे हैं? मैंने सुना कि आप आ गए हॉस्पिटल से, वो मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हुए हुए थे उस वक्त, उनको कोविड हुआ था, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी उनकी।
तो मैंने कहा मैं तो चलें ठीक हूँ, तो आपके लिए हम सब दुआएं मांगते हैं कि आप कैसे हैं सर। फिर मैं ठीक हूँ। फिर वो घर आए, फिर मुझे याद है कि उसके बाद मेरी उनसे व्हाट्सएप पे होती थी। मैंने एक किताब लिखी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पर, मेरी किताब अमेरिका में पब्लिश हुई मार्च 2022। मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा कि मैं आपको एयर यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट इन्वाइट करना चाहता हूँ। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.